न्यू कमर्स में बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिन्हें उस तरीके का लॉन्च मिलता है, और कुछ लोगों को मिला भी है, बट अदरवाइज इट्स वेरी टफ टू इवन सर्वाइव, फॉरगेट अबाउट इवन गेटिंग अ फिल्म और डूइंग एनीथिंग बिग. आई थिंक इंडस्ट्री में इतने साल रहना और टिके रहना भी बहुत मुश्किल है, और मैं जानती हूँ कि कितना टफ है. तो आई थिंक, बट हाँ, अगर इट्स योर ड्रीम, इट्स योर पैशन, आप उसे मेहनत करो, करते रहो, चीज़ें वर्कआउट होती है, कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है, कभी कुछ चीज़ें किसी के लिए जल्दी वर्कआउट हो जाती है, किसी के लिए बहुत लेट होती है, किसी के लिए बहुत स्टेबल रहती है. तो आई थिंक दैट्स हाउ लाइफ इज. जब आप नए होते हो, जब आप इंडस्ट्री से नहीं होते हो, नए भी होते हो और इंडस्ट्री से जब नहीं भी होते हो, तो आई थिंक हर कोई सोचता ही है कि लड़की है, हीरोइन बनना है, तो एक उनका एक परसेप्शन होता है कि लड़की को अगर हीरोइन बनना है या अगर उसने कुछ मॉडर्न कपड़े पहन लिए तो शी इज़ वेरी इजिली अवेलेबल.